दिस इज शेपिंग मशीन। शेपिंग मशीन, हैव यू सीन शेपिंग मशीन और हैव यू डन शेपिंग ऑपरेशन इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में शेपिंग ऑपरेशन किया है? नो। नो सर, यस यस सर, किया नो है सर, शेपिंग ऑपरेशन? डिप्लोमा भी किया सर। डिप्लोमा? यस, मैं डिप्लोमा में, डिप्लोमा के टाइम में बता रहा हूँ। तो आई थिंक ड्यूरिंग डिप्लोमा, इवन इन द फर्स्ट सेमिस्टर, बीटेक फर्स्ट सेमिस्टर में भी है वर्कशॉप। वर्कशॉप जो ये रहती है ना, वर्कशॉप फर्स्ट सेमिस्टर में वर्कशॉप रहती है। तो वर्कशॉप में ये शेपिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, ये सब रहती है। बट मिडाट में होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं तो शेपिंग मशीन मीन्स, इन शेपिंग मशीन द इन शेपिंग मशीन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय तो इसमें इस शेपिंग मशीन पर भी जो कटिंग टूल यूज होगा, सो दिस कटिंग टूल एक्चुअली इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज फॉर दिस शेपिंग ऑपरेशन, एंड टूल इज क्लेम्ड इन द टूल पोस्ट माउंटेड ऑन द रैम्प ऑफ द मशीन। ठीक है, एक दिस टूल एक्चुअली क्लेम्ड ऑन द टूल पोस्ट, एंड दिस टूल एक्चुअली रेसिप्रोकेट अंडा जो वर्कपीस रहती है, वर्कपीस ऑल्सो ऑटोमेटिकली फिटेड, ऑटोमेटिकल और मैनुअली कैन बी फिट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ शेपिंग मशीन। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है। तो दिस इज एक्चुअली टूल पोस्ट, दिस वन टूल पोस्ट, इसमें शेपिंग टूल, शेपिंग टूल इसमें होल्ड किया जाता है, और शेपिंग टूल लुक्स लाइक इसी टाइप का एक शेपिंग टूल होती है। ओके, थिंक इट इज ए टू डायमेंशनल। अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो इसमें एक्चुअली परपेंडिकुलर टू स्क्रीन इसको एक्सटेंड है। ठीक है, इसी टाइप का एक शेपिंग टूल रहती है, होल्ड किया जाता है टूल पोस्ट पर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द रैम। तो दिस इज कॉल्ड द रैम। दिस रैम विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस। ओके, मीन्स ऐसे रेसिप्रोकेट होगा, दिस रैम विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज द टेबल, टेबल फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। सो दिस टेबल इज फॉर होल्डिंग द वर्कपीस, लाइक दिस इज द वर्कपीस। ए वर्कपीस यहाँ होल्ड किया जाता है इस टेबल पर, एंड दिस टेबल कैन ऑटोमेटिकली फिट, इवन मैनुअली फिट, मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस, मीन्स सेपिंग ओ पर्सन, दिस टेबल इज ऑटोमेटिकली फिटेड। तो ऐसे टेबल को ऐसे फिट किया जाता है। ठीक है, दिस टेबल ऑटोमेटिकली फिटेड, एक्चुअली ऑटोमेटिकली फिट मैकेनिज्म रहती है इन शेपिंग मशीन, यूज इन ऑटोमेटिक फिट मैकेनिज्म, सो दैट आफ्टर ईच पासिंग ऑफ दिस कटिंग टूल, दिस शेपिंग कटिंग टूल, द टूल विल मूव, टूल विल मूव दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर कटिंग द नेक्स्ट स्टेप। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ फीड एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड विथ क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म। ओके, सो आई विल टेल व्हाट इज द क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म एंड ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म। तो जस्ट रिमेम्बर दिस, इन शेपिंग मशीन दिस टूल विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस। तो दिस टूल विल रेसिप्रोकेट इन मूव लाइक इन दिस डिरेक्शन। ओके, एंड दिस इज दिस टूल विल मूव इन दिस डिरेक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ दिस रैम, एंड दिस रैम विल मूव बाय सम मोटर एंड
पुली एंड बेल्ट मैकेनिज्म रहती है। सो फ्रॉम द रोटेशनल मोशन फ्रॉम द मोटर द ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन मोशन टू ट्रांसलेशन मोशन कन्वर्ट होती है रैम पर एंड दिस ट्रांसलेशन मोशन विल मूव द टूल लाइक इन दिस डायरेक्शन, ऐसे टूल को मूव किया जाता है। ओके एंड द मोशन ऑफ द मोशन ऑन द वर्क पीस ऑन द टेबल विल गिवन जस्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द टूल। ओके इसमें तो जस्ट जस्ट सी दिस वीडियो। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग मशीन। सो टूल विल मूव लाइक दिस। ओके एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द रैम्प। सो देर इज मोटर मैकेनिज्म। दिस मोटर विल रोटेट दिस व्हील एंड बाय दिस रोटेशनल मोशन ट्रांसफर ट्रांसलेशन मोशन टू द रैम्प एंड देन रैम्प विल translate like this and this workpiece is actually a black color equal workpiece and this workpiece will kept in a table here and this the automatic feed is given to the table. Okay okay so actually when the tool will move at in this direction then only the cutting person will perform, but when the tool return in the return stroke, in the return stroke no material will cut. So the material will cut only during this cutting stroke, means during the forward stroke. This is forward stroke hoga, at that direction the material will cut, but during the return stroke material does not cut. Okay, or does not remove. Okay, so so actually the cutting this direction this stroke is called the cutting stroke and in which direction the material does not cut is called the return stroke. Okay two stroke hoti hai, a cutting stroke mein material cut hoti hai remove hoti hai test specimen se and jo return stroke hai return stroke mein material cut nahi hoti and okay and see here so means her cutting stroke mein cut ho rahi hai so next jo cutting stroke hoga so next cutting stroke mein material cut hone ke liye material ko thoda feed deni hai perpendicular to this movement of the tool a perpendicular movement deni hai agar nahi dunga to actually usi position par material cut ho gaya to then next stroke mein cut nahi hoga to isliye automatic jo feeding hai table ko automatic feeding देनी है। ओके तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। आई थिंक दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो हेलो यस सर यस सर यस अंडरस्टैंड और नॉट? जो जो वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया कैसे शेपिंग मशीन पर वर्किंग मींस कैसे मटेरियल रिमूव होती है दो स्ट्रोक के अंडरस्टैंड सर कटिंग स्ट्रोक है रिटर्न स्ट्रोक है कटिंग स्ट्रोक में भी ओनली मटेरियल कट होती है रिटर्न स्ट्रोक में मटेरियल कट नहीं होती है और एज ए रिटर्न स्ट्रोक में मटेरियल कट नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रोक में मटेरियल को कट होने के लिए टेबल को परपेंडिकुलरली क्रॉस फीड देनी है सो दिस क्रॉस फीड इज गिवन बाय ए क्रैंक शेप्ड मैकेनिज्म। ओके आई विल टेल व्हाट इज क्रैंक शेप्ड मैकेनिज्म। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स कैन बी परफॉर्म बाय शेपिंग मशीन सो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स सो लाइक दिस सी हियर सो डिफरेंट शेप्स लाइक जो फास्ट शेप है सो दिस फास्ट वन so this first one means inclination surface
So inclined surface can be generate inclination type of surface. This is inclined surface can be produced by the shaping machine. Another one, this is groove type, U type of grooving. Okay, U type. And this is third one, V type of grooving can be generated. So concave surface, actually concave type, U type or concave type of surface can be generated. V groove can be generated. Fourth one is a slot. One slot can be generated in the workpiece. So this is a deep slot. Slot or deep slot means at more depth, slot at more depth, or short slot at less depth means deep slot and less deep slot can be generated by the shaping machine. This surface, fifth one. So this is actually flat surface. Flat surface can be generated. Horizontal flat surface. Okay. This is also a flat surface. Sixth one. But it is vertical flat surface. So vertical flat surface can be generated by this shaping operation. Seventh one. In this step type. A step type of surfaces or shape can be generated. So a step cut surface can be generated by this shaping machine. Okay. So advantages. This is actually single cutting point tool used in shaping. And that's why it is inexpensive, means not very costly. Okay, these tools can be easily grounded to any desirable shape. Okay, that I've told. Another, the simplicity and easy of holding work, its easy adjustment and simple tool give the shaper its great flexibility. Simple type of tools used means in case of turning the tool, that is a tool geometry and the other things means in drilling a complicated sever tool, drill with complicated shape geometry of tool used. But in this case, a simple tool used. Okay. And operation also very simple. Just to hold the device, the material machine actually automatically perform the work. Okay, mean automatically fit to the workpiece will given. Okay, but in turning operation, a skilled operator is required. So this is a very simple operation. So for set up a very quick and easy on easy and can be readily changed from one job to another. Thin or fragile job can be conveniently machined on shaper because of lower cutting forces. But limitations are there. Limitations, this shaper is unsuitable for generating a flat surface on very large parts. Means why very large parts of surface, flat surface cannot be generated by shaping machine? Because why? Can anyone tell me why very large parts, flat surface of a very large shaft cannot be possible by this shaping machine? Shaping machine say very large surface, large flat surface possible nahi hoga. Kyu nahi hoga? Agar specimen ka length jyada hai, to wo means jyada length par फ्लैट सरफेस जनरेट करने शेपिंग मशीन नहीं कर पाएगा. क्यों? हेलो सर, क्वेश्चन को सर पूछ रहे हैं कि आपके स्पेस कम है तो क्यों और क्योंकि हेलो यस सर, गो अहेड प्लीज. यस, क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि मटेरियल काट होती है ओनली वन मीन्स स्ट्रोक, पार स्ट्रोक में ही काट होती है. मीन्स जो काटिंग स्ट्रोक है उसी काटिंग स्ट्रोक पर ही मटेरियल काट होगा एंड मटेरियल रिमूव होगा, यही है ना? तो स्ट्रोक, जो स्ट्रोक होती है, स्ट्रोक की लेंथ कितनी होगी? वो अगर मेरा मटेरियल का लेंथ सपोज 1 फीट है, तो 1 फीट तो स्ट्रोक का लेंथ इतना नहीं होगा ना. जब मैंने वीडियो, जब एनिमेटेड मैंने वीडियो देखा,
मैंने शो किया, तो जो टूल का जो मूवमेंट हो रही है, मीन्स काटिंग स्ट्रोक एंड देन रिटर्न स्ट्रोक, देन काटिंग स्ट्रोक देन रिटर्न स्ट्रोक, ऐसी हो रही है ना। तो जो काटिंग स्ट्रोक हो रही है एंड रिटर्न स्ट्रोक हो रही है, तो काटिंग स्ट्रोक एंड मीन्स जो टूल जो एक्सट्रीम एंड पर जा रही है, एंड दोनों एक्सट्रीम एंड पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिमिट कॉन्स्टेंट है, लिमिटेड है, दिस दैट कैन नॉट बी 1 फीट और 2 फीट और समथिंग। तो इसलिए लार्ज मीन्स लार्ज सरफेस, फ्लैट सरफेस कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, बट टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, ए प्लेनर प्लेनर इज अनदर टाइप ऑफ शेपिंग ऑपरेशन। तो प्लेनर कैन बी सॉल्व दिस डिफिकल्टी, मीन्स बाय प्लेनर मशीन यू कैन गेट ए वेरी लार्ज फ्लैट सरफेस, माने स्पेसिमेन और वर्क पीस। ओके, प्लेनर मशीन से वो पॉसिबल है। नाउ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो क्विक रिटर्न एक्चुअली इन शेपिंग मशीन मैं बता, आई हैव एक्सप्लेन दैट इन शेपिंग मशीन देर आर टू स्ट्रोक, वन इज कटिंग स्ट्रोक एंड अनदर इज रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक में मेटेरियल काट हो रही है, रिटर्न स्ट्रोक में टूल वापस आ रही है, बट ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक मेटेरियल काट नहीं हो रही है। तो मेटेरियल डज नॉट काट इन द रिटर्न स्ट्रोक, है ना। तो रिटर्न स्ट्रोक अगर मैंने अगर रिटर्न स्ट्रोक को जो टाइम लग रहा है ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, इफ आई रिड्यूस दिस टाइम, मीन रिटर्न स्ट्रोक क्विक, अगर क्विक होगा क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक में मेटेरियल काट नहीं हो रहा है, रिटर्न स्ट्रोक अगर ज़्यादा दूंगा टाइम, मीन्स ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक में टूल जो रिटर्न हो रही है, अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा रिटर्न स्ट्रोक के टाइम, तो दैट टाइम इज एक्चुअली वेस्टेज, वो तो वेस्टेज ही होगा, है ना। ड्यूरिंग काटिंग स्ट्रोक मेटेरियल विल काट और मेटेरियल विल रिमूव फ्रॉम द वर्क पीस, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ यू काटिंग स्ट्रोक में मेटेरियल काट हो रही है, तो यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड, मीन्स काटिंग स्ट्रोक एट ए वेरी वेरी हाई स्पीड काट पॉसिबल नहीं है, एंड वेरी स्लो स्पीड पर भी काट मीन्स पॉसिबल नहीं होगा। तो काटिंग स्ट्रोक का जो स्पीड है वो इम्पोर्टेंट है, बट रिटर्न जो हो रही है रिटर्न स्ट्रोक का मीन्स मैं जितना क्विक रिटर्न को रिटर्न करूँगा उतना टाइम मेरा सेव होगा। ओके, तो शेपिंग मशीन में इसी टाइप का मैकेनिज्म किया जाता है। सो ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक द टाइम विल टेक लेस टाइम विल टेक ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। ओके, रिटर्न स्ट्रोक में कम टाइम लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ओके, तो जस्ट सी इन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे किया जाता है। हाँ, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। सो दिस इज एक्चुअली द टैंक फ्लोटेड टाइप मैकेनिज्म। तो जस्ट सी दिस वन इज द रैम्प। ओके, सो बट जस्ट मूविंग दिस द रैम्प विल मूव लाइक दिस। ओके, ऐसे रैम्प मूव होगा। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक मीन्स कटिंग स्ट्रोक मीन्स एंड दिस ब्लॉक विल मूव दिस डिरेक्शन। ओके, रिटर्न स्ट्रोक मीन्स एंड दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डिरेक्शन। सो दिस इज रिटर्न स्ट्रोक। सो वी हैव टू मिनिमाइज द टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ओके, एंड दिस मैकेनिज्म इज गिवेन बाय दिस स्लॉटेड एंड रैंप मैकेनिज्म। सो हियर जस्ट सी हियर here a slot is given, here so just see here is crank and there is a slot, and by rotating this wheel, this linkage wheel reciprocate like this. Okay, so this
This slotted crank mechanism is given in a such way that so so this is the ramp. This ramp will move, and this ramp actually connected to this tool. Okay, so this is actually length of the stroke, means this one is the length of the stroke, means tool can move from this end to this end only. Okay, means this is the length of the stroke. Okay, means itna to ki cut hoga material ko. Okay, itna length ki cut hoga. Okay, so this is the length of the stroke. तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक मीन्स तो ये जो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट जो टूल कब रीच होगा, एंड दिस मीन्स दिस लीवर एंड दिस लीवर मेक एन परपेंडिकुलर हियर. And this is actually just a tangent point, tangent to the circle. Okay, agar it a perpendicular hua, agar main isko idhar launga to kya hoga, a tool aise move karega, means extreme point se idhar rahega. Agar a point ka position yahan rahega, suppose yahan rahega is point ka position, theek hai, तो भी इसका पोजीशन ए एक्सट्रीम पर नहीं रहेगा, इसी इसी पर कोई पोजीशन पर रहेगा, है ये ना. तो ये जो जो टू कनेक्टिंग लिंकेजेस है, इसका पॉइंट जैसे यहाँ पर रहेगा तो ए एक्सट्रीम पर रहेगा. ओके, सिमिलरली आई एम दिस सेम दिस लिंकेज वो यार मीन से अगर जो एसी पोजीशन पर रहेगा तो ए एक्सट्रीम पर मीन से दिस एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम पोजीशन पर इट विल रहेगा. ओके, तो दिस विल डिपेंड ऑन दिस एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल हो रही है यहाँ, ठीक है. तो सपोज दिस इज एक्चुअली पी वन पॉइंट, ए फर्स्ट पॉइंट, या दिस वन पॉइंट पी वन पॉइंट जो टूल का पोजीशन यहाँ था, ठीक है, टूल का पोजीशन यहाँ था. नाउ नाउ दिस एक्चुअली दिस गियर रोटेट इन दिस डायरेक्शन, तो इन दिस डायरेक्शन रोटेट हो रही है, मीन्स जो टूल मूवमेंट ऐसे हो रही है, मीन्स ये जो पॉइंट है पी वन पॉइंट ऐसे मूव होगा. तो ये जैसे इधर मूव होगा, इसे रोटेट करेगा, देन दिस ए मीन्स फाइंड द टूल, ए टूल एट द पोजिशन एट ए, या एक्सट्रीम पॉइंट ए है. तो जैसे ए पॉइंट से कहाँ तक, बी पॉइंट तक आएगा, मीन्स बी एक्सट्रीम पॉइंट तक, एक्सट्रीम पोजिशन पर, ए एक्सट्रीम पोजिशन पर आएगा. ओके, तो एक्सट्रीम पोजिशन कब आएगा, एंड दिस ये जो लिंकेजेस है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट विल कम हियर, मीन्स पी पॉइंट तक आएगा. तो ये देखो, तो दिस पी वन, पी वन टू पी टू, दिस इज एक्चुअली कटिंग स्ट्रोक फ्रॉम पी वन टू पी टू. ओके, एंड दिस एंगल इज एक्चुअली नियरली 220 degree, nearly 220 degree. Okay, and in so return stroke, and P means this connecting point will move from P1 P2 to P1. Okay, when P2 to P1 will move, then B tool at B position will move from B position to A position. So this is actually return stroke. So this actually return stroke, and this is the cutting stroke. Okay, so just see here,
So in case of parting stroke, this arc is more. This arc is more. This arc is more because here the angle is more compared to this return stroke. Okay, here the arc is less. Okay, so that's why time taken during this cutting stroke will be more compared to this return stroke. क्योंकि इसमें इतना आर की या नहीं है, ठीक है. सो इन दिस केस टाइम टेकन इन दिस रिटर्न स्ट्रोक विल लेस कंपेयर टू दिस कटिंग स्ट्रोक. ओके, सो दिस दिस इज कॉल्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. नाउ दिस रेशियो बिटवीन दिस कटिंग टाइम टू द रिटर्न टाइम इज गिवेन बाय this cutting stroke to the return stroke. Okay, and this is nearly about 220 divided by 110. So this is actually approximately, you can write 220 approximately 110. So total actually 140. So this is 140. It is missing. Actually, this is 4. Okay. So this is so actually total 220 plus 140 means 360 angle. Total 360, na. So this is actually ratio between cutting time to the return time. Okay. Now another mechanism, that is feed drive mechanism. So in shaping operation that I have told that automatic feed to the table is requirement. Automatic table ko automatic feed hai zarurat hai ki nahi, kyunki हेलो मेरा आवाज आ रही कि नहीं. हेलो, यस सर. ओके, सो इन शेपिंग मशीन ऑटोमेटिक फीड इज रिक्वायर्ड. ऑटोमेटिक फीड ऑफ द टेबल इज रिक्वायर्ड. क्यू कैन एनीवन टेल मींस ऑटोमेटिक फीड क्यों जरूरत है टेबल को. जो टेबल पर मैंने वर्कपीस होल्ड किया उस टेबल को ऑटोमेटिक फीड देना जरूरत है. एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फीड ड्राइव मैकेनिज्म. तो ऑटोमेटिक फीड देना जरूरत है. ऑटोमेटिक फीड देना क्यों जरूरत है. व्हाई दिस ऑटोमेटिक फीड इज रिक्वायर्ड इन शेपिंग मशीन. एनीवन मींस दिस क्वेश्चन इज फॉर फ्रॉम वेरी मींस दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. Just think, means sir. Yes. Distance की वजह से तो नहीं सर, कि distance ज़्यादा होता है. नहीं. और manually उसको control करना मुश्किल. Yes, yes, you are near about answer. Means actually manually control करना मुश्किल है. Manually control करना किसको manually control? Means दो stroke में काट. Means दो stroke है. Two strokes are there. Cutting stroke and return stroke. तो कटिंग स्ट्रोक में काट हो रहे बट रिटर्न स्ट्रोक में काट नहीं हो रहे. बट रिटर्न स्ट्रोक के बाद तो मेटेरियल काट होगा ना. रिटर्न स्ट्रोक के बाद तो फिर कटिंग स्ट्रोक आएगा. कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक ऐसी तो हो रही है ना. यस सर. ऐसे जो कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक ये तो ऑटोमेटिक हो रही है शेपिंग मशीन पे. ठीक है, कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक हो रही है ऑटोमेटिकली हो रही है. कटिंग स्ट्रोक में काट हो रही है, रिटर्न स्ट्रोक में काट नहीं होगा. ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो कटिंग स्ट्रोक आएगा तो उस कटिंग स्ट्रोक के विद इन दिस टाइम मेटेरियल को फीड देनी है. अगर मेटेरियल को फीड नहीं दूंगा तो
ये पोर्शन मुझे काट हो गया, तो अगर उसी पोर्शन उसी पोजीशन पर अगर टूल मूव होगा तो काट तो नहीं होगा ना, मेटेरियल तो स्पेसिमेन तो जो मेरा वर्क पीस है वो वर्क पीस खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो यस सर, ये जो जो मैं टेबल को जो फीड दूंगा, ठीक है, ये मीन्स एक्चुअली काटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक एक क्विक होती है, मीन्स इतना स्लो नहीं है, जो जैसे रिटर्न हो रही है उसी टाइम मैंने टेबल को फीड दे दूंगा, ठीक है। अरे रुक के नहीं हो रहा, मीन्स काटिंग स्ट्रोक हो गया, थोड़ा 5 मिनट रुका टूल, देन रिटर्न स्ट्रोक हुआ, देन 5 मिनट रुका, तो इस टाइप का नहीं हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है, काटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक काटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक कॉन्टिन्यूअस हो ही रही है। तो विद इन जो रिटर्न स्ट्रोक उसी टाइम टेबल को फीड देनी है नेक्स्ट पोर्शन काटने के लिए, है कि नहीं? तो वो दिस फेड इज पॉसिबल बाय ओनली ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म, ये मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मैनुअली दूंगा तो कितना फीड होगा, कितना अमाउंट होगा, वो भी मुश्किल है। इवन उसी टाइम पर उसी जो रिटर्न हो रही है उसी टाइम पर फीड देना पॉसिबल नहीं है। ओके अंडरस्टैंड? सो ऑटोमेटिक फीड इज रिक्वायर्ड इन शेपिंग मशीन। नाउ सी तो जस्ट सी हियर ऑटोमेटिक फीड क्या होती है, देन आई एम एक्सप्लेनिंग। तो जस्ट सी हियर, ये जो दिस इज एक्चुअली जो मैंने बताया था क्विक रिटर्न, तो दिस इज दैट गियर, तो दिस गियर विल रोटेट एंड इसमें एक लिंकेज लिंकेज किया जाता है, तो दिस इज द लिंकेज एंड ए एक्चुअली दिस लिंकेज इज कनेक्टेड जस्ट एसेंट्रिक, या ना सेंटर पर कनेक्ट नहीं किया गया है, ये एसेंट्रिक करके कनेक्ट किया गया है। ओके तो दिस एक्चुअली दिस व्हील विल मूव, ये व्हील विल रोटेट, ऐसे रोटेट होगा एंड दिस व्हील एक्चुअली कनेक्टेड टू द जो क्विक रिटर्न में जो व्हील है उसी उसी के साथ ये व्हील कनेक्टेड है एंड जैसे वो व्हील घूमेगा ये व्हील भी घूमेगा, ऐसे कनेक्शन रहता है, ठीक है। सो व्हेन दिस व्हील रोटेट देन दिस रॉड, ये जो रॉड है दिस रॉड एक्चुअली मूव लाइक दिस, मीन्स रेसिप्रोकेट मोशन होगा, रेसिप्रोकेट मोशन होगा एंड इसमें ये जो लिंकेज है लिंकेज दिस लिंकेज एक्चुअली कनेक्टेड है जस्ट मेक एसेंट्रिक, मीन्स ये सेंटर 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 से कनेक्ट नहीं होगा, एसेंट्रिक करके कनेक्ट किया गया है, क्योंकि व्हाई दिस एसेंट्रिक इज मेड, क्योंकि जितना एसेंट्रिक है उतनी अमाउंट तो इसका मूवमेंट होगा, ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मीन्स रेसिप्रोकेट होगा, ठीक है, मीन्स सेंटर से जितने अमाउंट एसेंट्रिक किया गया है ठीक उसी अमाउंट तो सेंटर से फॉरवर्ड होगा एंड सेंटर से जा रहेगा, ठीक है, मीन्स टोटल कितने मूवमेंट होगा, ट्वाइस ऑफ दिस एसेंट्रिक। ओके तो ए से रेसिप्रोकेट होगा एंड एज दिस दिस लिंकेज इज रेसिप्रोकेट देन ए एक्चुअली यहाँ फिक्स किया गया है एंड दिस पार्ट एक्चुअली रोटेट लाइक दिस, मीन्स ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट होगा दिस लिंकेज। तो ये जैसे ये लिंकेज दिस लिंकेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन देन इट विल पुश लाइक दिस। ओके ऐसे पुश करेगा एंड एंड इसमें एक छोटा सा गियर टाइप है, तो मैं बता रहा हूँ जस्ट मिनट। ओके जस्ट सी हियर, तो दिस इज द बोल गया, सो व्हेन दिस विल पुश यार, सो लाइक ऐसे जो पुश करेगा देन देन यहाँ एक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहती है, तो एक्चुअली जस्ट दिस टाइप का अरेंजमेंट,
तो ये जैसे लेफ्ट साइड मूवमेंट होगा तो ये जो यहाँ मैं क्या बताऊंगा, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ना, तो ये क्या करेगा, ये पकड़ के ये जो व्हील है इसको घुमाएगा ऐसे करके, जस्ट सी दिस वीडियो, तो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएगा। ओके तो जस्ट ये मैग्नीफाइड भी है, तो ऐसे पकड़ के ये जो मैकेनिज्म है वो इसको ऐसे पकड़ के घुमाएगा व्हील को, ठीक है। तो ये पार रोटेशन इसको जो जो मीन्स हार रोटेशन ऑफ दिस गियर, दिस व्हील विल रोटेट, मीन्स रोटेट मीन्स फॉर ईच रोटेशन ऑफ दिस गियर वन वन टीथ विल मूव, दिस गियर विल मूव इन वन वन टीथ, जस्ट वन टीथ विल रोटेट ऑन दिस स्मॉल गियर। ओके तो एंड दिस स्मॉल गियर इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द शाफ्ट, एंड दिस शाफ्ट इज थ्रेडेड थ्रेडेड एंड ड्यू टू दिस थ्रेडिंग द आर्पिस टेबल विल मूव, ठीक है। ओके तो जैसे वो दिस बी मीन्स दिस आर्म गियर विल रोटेट, देन दिस गियर विल मूव जस्ट ओनली वन टीथ। ओके एंड दिस एक्चुअली मीन्स नंबर ऑफ टीथ एंड द डायमीटर ऑफ दिस गियर विल एक्चुअली, दिस इज द डिजाइन पार्ट, मीन्स हर स्ट्रोक के बाद कितना मुझे टेबल को फीड देनी है, क्रॉस फीड देनी है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली द डिजाइन पार्ट, मीन्स इसका डायमीटर कितनी होगी, कितना टीथ रहेगा, मीन्स हार हार टीथ मूवमेंट होने के लिए कितना रोटेशन हो रही है इस शेप पर, ठीक है। तो जस्ट सी दिस व्यू, देन आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर। तो दिस गियर एक्चुअली जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, सो दिस गियर एक्चुअली कनेक्टेड टू दिस गियर, कनेक्टेड टू दिस गियर। ओके तो व्हेन दिस गियर विल रोटेट लाइक दिस, ओके देन दिस गियर विल रोटेट बिकॉज दिस आर कनेक्टेड। ओके द टीथ ऑफ दिस गियर एंड टीथ ऑफ दिस गियर आर अटैच्ड, so when this gear will rotate then this gear will rotate, so when this gear will rotate then this rod, then this rod will move like this, जो एरो किया है वो मूव लाइक दिस ऐसे मूव होगा। ओके मूव लाइक दिस, ओके सो व्हेन दिस रॉड विल मूव देन दिस अरेंजमेंट एक्चुअली दिस विल रेसिप्रोकेट लाइक दिस, ऐसे करके रेसिप्रोकेट होगा दिस अरेंजमेंट। ओके तो एंड यह एक अटैच रहती है यहाँ पकड़ के खींचने के लिए, ये जो गियर है दिस गियर, ये गियर रोटेट करने के लिए यहाँ एक टीथ टाइप के अरेंजमेंट रहती है। तो जस्ट फाइंड दिस अटैचमेंट विल रेसिप्रोकेट इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, देन दिस पार्ट विल रोटेट सम अमाउंट टू दिस गियर, ये गियर को कुछ अमाउंट या रोटेट करेगा। ओके ओके एंड दिस गियर एक्चुअली दिस अरेंजमेंट दिस गियर इज कनेक्टेड टू दिस शाफ्ट, जो देखो शाफ्ट है ना दिस शाफ्ट, ओके दिस गियर इज कनेक्टेड टू दिस शाफ्ट। ओके तो व्हेन दिस गियर रोटेट देन शिफ्ट शाफ्ट विल रोटेट, इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल,
when a small amount of rotation is given, then this shaft actually have threaded like this. Yeah, thread किया गया है, ठीक है, या thread किया गया है ऐसे करके. तो अगर मैंने ये वाला व्यू ये करूँगा तो ऐसे थ्रेड किया गया है, ठीक है, शेफ्ट पर, ठीक है. एंड दिस शेफ्ट एक्चुअली पासिंग थ्रू ए नाट, ऐसे नाट पर पास किया थे. तो ए थ्रेड लाइक ए बोल्ट, ये नाट सॉरी बोल्ट, दिस थ्रेड थ्रेड शेफ्ट मीन्स दिस इज वर्क लाइक ए बोल्ट एंड दिस एक्चुअली वर्क लाइक ए नाट. ओके, so and this bolt will rotate in a knot, and this knot is actually fixed, sorry, this shaft, this bolt is fixed but rotate, this is fixed but rotate, a rotate over here. Okay, and this this knot can be moved. So main agar a shaft ko main jaise rotate karunga to a knot jo hai, so knot will move, नॉट में से मूव होगा, मूव होगा किसी नहीं, ठीक है. मैं किसी नॉट के अंदर मैं अगर कुछ बोल्ट मैंने ये करके अगर मैंने बोल्ट को घुमाऊंगा देन नॉट विल मूव, मूव होगा. एंड दिस नॉट एक्चुअली अटैच टू दिस टेबल, टेबल टेबल के साथ अटैच है. सो दिस टेबल विल मूव ऑटोमेटिकली, ऐसे ऑटोमेटिकली मूव होगा. ओके, सो पार रिवोल्यूशन, तो फॉर पार रिवोल्यूशन ऑफ दिस गियर यू विल गेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस टेबल, ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है. और यहाँ जो अरेंजमेंट है ना, तो यहाँ जो अरेंजमेंट है, यहाँ जो अरेंजमेंट है, इवन यहाँ जो गियर के साथ ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट ऐसे किया गया है जो जो ये रॉड इसी डायरेक्शन पर मूव होगा देन देन ए व्हील को इसी डायरेक्शन पर नहीं खींचेगा, नहीं घुमाएगा, ठीक है. जस्ट सी यार, ठीक है, ओनली वन डिरेक्शन पर ये वाला ओनली देखो जो जो जैसे इसी डिरेक्शन आ रहे हैं ना, जो जैसे ये वाला इसी डिरेक्शन आ रही है, तो ये अपवर्ड मूव हो रही है बट अपवर्ड मूव हो रही है एंड व्हील को नहीं घुमा रही है, ओनली वन डिरेक्शन पर ही ये व्हील घूम रही है ना, वन डिरेक्शन पर ये व्हील घूम रही है. तो ये ड्यूरिंग कटिंग ऑटोमेटिक फीड ऑन दिस टेबल विल कैन बी गिवन. ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो, यस सर. ओके, तो दिस इज द बेसिक एंड अदर थिंग्स, टाइप ऑफ सेपार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेपार है, ओरिजेंटल सेपार. तो इसमें हॉरिजेंटली टूल हॉरिजेंटल मूव होती है. देर आर टू टाइप ऑफ पुश कट टाइप, पुल कट टाइप. ओके, अनदर वर्टिकल सेपार, तो इसमें टूल वर्टिकली मूव होगा, इसी टाइप का मीन्स टूल विल मूव इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन ओनली. ओके, मीन्स वर्टिकल सरफेस ये करने के लिए मैंने जो डिफरेंट शेप कैन बी पॉसिबल मैंने बताया ना फर्स्ट सेकंड स्लाइड पर, तो ये वर्टिकल सरफेस एनालाइज करने के लिए वर्टिकल सेपार की जरूरत है. मैकेनिकल सेपार, रैम ड्राइव, दिस द मैकेनिकल सेपार. हाइड्रोलिक सेपार, इसमें द हाइड्रोलिक सेपार मीन्स दिस सेपिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय हाइड्रोलिक मीडिया, ठीक है. इसमें तो मोटर रहती है, मोटर घुमाती है, इसमें हाइड्रोलिक मीडिया रहती है, ठीक है. तो एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सेपिंग मशीन, सेपिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो लेंथ ऑफ द रैंप स्ट्रोक मीन्स कितना लेंथ है, रैंप रैंप जो मूव हो रही है तो उसका लेंथ. ओके, तो ये दिस इज अराउंड 457 रेंज ऑफ द रैंप स्पीड. ओके, तो ये डिफाइंड रेंज
12, 24, 40, 72 strokes per minute. Okay, means it range of the ramp ramp speed is defined as strokes per minute. Means the per minute mein kitni stroke ho rahi hai. Per stroke mein 12 bhi ho sakti hai, 24, 40, 72. तो इन केस ऑफ 72 मींस हर सेकंड में स्ट्रोक हो रही है और सारे रैंप स्पीड जाती है ज्यादा है. वर्किंग सरफेस ऑफ द टेबल मींस टेबल जो है टेबल की लेंथ विथ एंड ब्रेथ. ओके मैक्सिमम टेबल ट्रैवल हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम टेबल ट्रैवल वर्टिकली. तो वर्टिकली टेबल भी जरूरत है क्योंकि सारे टेस्ट स्पेसिमेन का हाइट सेम नहीं होती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मूव द टेबल आल्सो अप एंड डाउन वर्टिकली. ओके हॉरिजॉन्टल भी मूवमेंट की जरूरत है क्योंकि स्पेसिमेन को होल्ड करने के बाद फर्स्ट यू हैव टू टच द कटिंग पॉइंट मींस जो जहाँ से कटिंग स्टार्ट होगा. तो horizontal movement and vertical movement both are required. And how maximum movement can be traveled, this is the specification of the shaping machine. Angular movement of the table, sometimes angular movement bhi zarurat hai for inclined surface. Okay, maximum size of the tool stand, tool head, maximum vertical travel of the tool slide, main drive motors, cutting and return stroke. So these are the specification. Cutting tool material kya kya use kiya jata hai, operating parameters, cutting velocity, cutting velocity 2 into average forward velocity, cutting speed twice into I into n divided by r. So what is l is the length of the stroke. Okay, n is the rotational speed and the r is the stroke ratio. Time, so cutting time is divided is equal to width divided by n in n multiplied feet. Okay, so these are some formula to for calculating cutting velocity, cutting speed and the cutting time. Okay, these are some some more formulas are there for calculating machining time, कितना time लग रहा है. तो just you can read this for part or according to your requirement. But you have to remember this formula: cutting velocity, cutting speed, and cutting time. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Any query? No, sir. No, sir. Okay, thank you. So, just a minute. Okay, now student, you can leave now. Samir, Vishant, all of you can leave now. Neta,
हाँ यस यस यस, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। यस यस, गुड आफ्टरनून, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, जस्ट ज्वाइन। ओके नहीं, आज 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 मैंने आर्नेस में बोलूंगा, कल मैंने क्लास लूंगा एक्स्ट्रा, बात कल कल मैंने कंसल्ट के बारे में बताऊंगा। ओके ओके ओके, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, बात उसको टेंशन।